हेलो डियर स्टूडेंट्स क्लास 10, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। यस नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। बच्चों मैं अनुप कुमार आज आपके लिए लेकर के आया हूं वर्ड प्रॉब्लम का लेक्चर नंबर 2, जिसको हम लोगों ने कल शुरू किया था। अगर आपको याद होगा मेरी क्वेश्चन का टॉपिक है और बोल्ड लगा हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि आज हम लोग बच्चों करने वाले हैं नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन और फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन बच्चों देखने में बड़े होते हैं लेकिन इजी होते हैं अगर आप उनको समझ गए तो। यस देखिए क्वेश्चन देखिए, द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन द रो। एक क्लास के बच्चों से कहा गया कि लाइन में खड़े होइए। इन फोर स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ईच रो। अगर हर लाइन में चार चार बच्चे ज्यादा खड़े हो जाते हैं तो वहां पे टू रो लेस, दो लाइन कम बनती है। पर्याय समझ रहे हैं आपको, बच्चों से कहा गया खड़े हो जाइए लाइन। अब जितनी लाइन बनती थी चार पांच छह आठ जो बनती हो उसकी कहानी क्या होगी कि अगर चार चार बच्चे हर लाइन में एक्स्ट्रा खड़े हो जाते हैं तो जो लाइन रोज बनती थी उसमें से दो लाइन कम बन गई। लेकिन अगर चार चार स्टूडेंट ज्यादा खड़े हो जाते हैं, फोर स्टूडेंट्स आर लेस इन ईच रो, अगर चार चार स्टूडेंट कम हो जाते हैं, शुरू में ज्यादा हो गए थे तो दो लाइन कम बनी, अब चार चार स्टूडेंट हर लाइन से निकल गए तो फिर बच्चों चार लाइन और ज्यादा बनानी होगी। तो क्वेश्चन है बताइए बच्चे कितने, क्वेश्चन समझ गए। एक क्लास के बच्चे थे उनसे कहा गया लाइन बनाइए, लाइन रोज बनती थी प्लेयर में, मान लीजिए 10 लाइन बनती थी। हुआ क्या कि चार चार बच्चे, फोर स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा, चार चार बच्चे जो थे वो एक्स्ट्रा खड़े हो गए हर लाइन में। मान लीजिए 15 बच्चे खड़े हो गए थे तो 19 बच्चे खड़े हो गए। जब ऐसी कहानी हुई तो देखा गया कि जहां पे लोग 8 लाइन बनती थी वहां लाइन 6 ही बनी। ठीक, उसके बाद बच्चों ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया कि हर लाइन से चार चार निकल गए, अलग लाइन बनाई। जब अलग बनाई तो देखा वहां रोज बनती थी 8 बनी 12, यानी चार लाइन एक्स्ट्रा बन गई। तो फिर बच्चे कितने हैं, क्वेश्चन समझ आ गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन बच्चों, पहली कंडीशन क्या है, एक चीज आपको समझ आनी चाहिए, एक चीज आपको समझ आनी चाहिए, मैं समझा दूं। यहां पर ये रो और लाइन बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं, यहां पे हम जो कंसीडरेशन करते हैं वो कंसीडर करते हैं कि लेट नंबर ऑफ रो एक्स, मान लिया कि टोटल लाइनें हैं एक्स एंड स्टूडेंट्स इन ईच रो, ये आपको रट लेना है। हर लाइन में बच्चे कितने खड़े हैं भाई, ध्यान में आ गया क्योंकि आंसर हमारा यही है। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स वाई हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें क्योंकि आंसर यही से आना है, समझ आया। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि नंबर ऑफ रो एक्स, मान लिया कि स्कूल में लाइन कितनी बनती है बच्चों 10 एंड स्टूडेंट की ईच रो, हर लाइन में बच्चे कितने खड़े होते हैं 8, तो फिर टोटल बच्चे कितने होंगे बच्चों 80 हो जाएगा। तो यही कहा है, मान लिया कि हर लाइन में टोटल लाइन है एक्स और हर लाइन में बच्चे कितने हैं वाई, तो फिर बच्चे टोटल कितने होंगे स्कूल बन गया 5 में एक्स इनटू। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यहीं से सारे आंसर आएंगे, यही कांसेप्ट है। नोट कर लिया, मिटा दें इसको, मिटा दें। चलिए बच्चों आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो वो तो कहानी हो ही गई अपनी, है ना, कि रो हो गई हमारी एक्स और हर रो में बच्चे, ईच रो स्टूडेंट, ये हो गया हमारा, तो टोटल बच्चे हो गए बच्चों। ठीक है कहानी हो गई। चलिए अब कंडीशन वन क्या है, कंडीशन वन बच्चों है कि फोर स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन ईच रो, हर लाइन में चार चार बच्चे हो गए हैं जा रहे हैं। ठीक, हर लाइन में तो कहानी क्या हो रही है, दो लाइन कम हो गई। अभी बच्चे बच्चों हर लाइन में कितने थे वाई, अब कितने हो गए, अब हर लाइन में बच्चे हो गए हैं वाई प्लस 4। अभी तक लाइन कितनी थी एक्स, अब लाइन कितनी हो गई बच्चों, पहले से ज्यादा हो गए बच्चे, लाइन ज्यादा लग गया तो दो लाइन कम हो गई। तो टोटल बच्चे बच्चों कितने हो गए, x into y, y से minus
4x minus 2y plus xy minus 8 is equal to 0. अब क्या कर सकते हैं बच्चों? 4x minus 2y plus xy is equal to 8. ठीक, कुछ समझ आ रहा है आपको? कुछ समझ आ रहा है मेरा भाई? टोटल बच्चे क्या थे आपके? एक्स वाई तो थे, यहाँ से मैंने टोटल बच्चे ये निकाले। ठीक है, अब क्या कहानी होगी इसको पहले नोट कर लीजिए, आप इतनी कहानी फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया बच्चों? ठीक, अब देखिए टोटल बच्चे कितने आ रहे थे एक्स वाई, और इधर जो हमारी इक्वेशन आई है निकल के बच्चे इज इक्वल टू 8 आई है। ठीक है, तो ये जो टोटल बच्चों में है नंबर ये ऐड हो गया, क्योंकि टोटल बच्चे तो एक्स वाई थे ना, ये ए सब बराबर एक्स वाई हो गया। ठीक है, बस यही पे क्वेश्चन है। अब आप क्या करोगे बच्चों? देखो एक्स वाई से एक्स वाई क्या होगा, खत्म हो जाएगा, दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ अगर सेम साइन है तो कटते हैं। तो क्या बचा बच्चों? 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहां से आप इसे इसको कट नहीं कर सकते बच्चों, 2 4 जा 2 1 जा 2 जा, तो ये आपका आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ध्यान रखिएगा पहले इक्वल टू कर लीजिएगा, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर एक्स वाई हो वो ऐड कर लीजिएगा जो भी आए, तो ये कट जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया? चलिए सेकंड कंडीशन पे आया, तो इस क्वेश्चन को बच्चे यहां पे नोट कर लेते हैं। इक्वेशन आ रही है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। चलिए दूसरी कंडीशन क्या है उसको लगाइए। दूसरी कंडीशन है, कंडीशन सेकंड कह रहा है, अब कहानी ये हो गई है कि देयर वुड बी टू रोल, अच्छा इफ ऑल स्टूडेंट्स आर लेस, अगर हर लाइन में बच्चों चार बच्चे जो है वो कम हो जाए, हर लाइन में चार बच्चे कम हो जाए, देयर वुड बी फोर रो मोर, तो फिर लाइन हो जाती है कितनी? चार नई लाइन बनती है। बात समझ आ रही है? इफ फोर स्टूडेंट आर लेस इन ईच रो, तो ईच रो में बच्चे कितने थे? y, अब कितने हो गए? y माइनस 4। पहले लाइन कितनी थी? x, अब लाइन कितनी हो गई है? चार लाइन और ज्यादा हो गई, यानी x प्लस 4। ठीक है, ये कहा है तुमको, इसको जरा सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है, मल्टीप्लाई करिए ना, आप चाहो तो यहां से ले सकते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स वाई की चलेगा। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करिए, कितना आएगा बच्चों? एक्स वाई 4y माइनस 4x माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स वाई, देखिए एक्स वाई से बढ़ जाएगा क्या बच्चा? 4x माइनस प्लस 4y 16 उधर दे दीजिए, 16 क्या हो गया? 4 4 4 से कट गया, क्या बचा? माइनस का एक्स प्लस का वाई इज इक्वल टू, ये आप जो आपकी आगे सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको पता चल जाएगा। लगाइए अब बच्चों आपके नए तरीके का क्वेश्चन, देखिए कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137, दो नंबर का जो सम है वो 137 है, सम दिया है 137 और डिफरेंस दिया है 47 के रहे नंबर सकता है, ये क्या होंगे? द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर है हम कुछ मान सकते हैं, इसे बच्चों मैंने कह दिया कि सम जो है दो नंबर का वो 8 है और डिफरेंस जो है बच्चों वो है 2 नंबर सकता है, तो आप बहुत आइडिया लगा सकते हैं कि 5 और 3 को हम ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, है ना? तो बच्चों देखिए आप इस तरीके से, तो इसको पहले हम थोड़ा सा थिंक करते हैं, सोचते हैं क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, टू नंबर्स की बात कर रहा है, तो फर्स्ट नंबर बच्चों मानते हैं सेकंड नंबर मानते हैं भाई, तो क्या होगा? कह रहा दोनों नंबर का सम 137, दोनों नंबर का डिफरेंस 42 47, नंबर बता दीजिए, पता कर लीजिए, बहुत आसान। ठीक है, 43 बच्चों, 43 सवाल आपने दे दिया तो फिर आसान लगा डालो ना बच्चों। अब बच्चों बहुत अच्छा समय है,
इक्वेशन का इक्वेशन टू हम लोग जो है इक्वेशन टू को वन से डिवाइड कर देते हैं ठीक है इक्वेशन टू डिवाइड बाय इक्वेशन वन क्या है इक्वेशन टू वन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 448 तो इसको बच्चों डिवाइड करेंगे x माइनस y से और इसको डिवाइड कर लेंगे 14 से अगर बच्चों आपको याद आ रहा हो a प्लस b a माइनस तो यहां पे पुट कर देंगे तो x प्लस y x माइनस y अपान x माइनस y इसको यहां से आप कट कर दीजिए कितना आएगा 14 तीजा 14 तीजा 32 आ गया तो देखिए x माइनस y से x माइनस y बढ़ गया बच्चों तो क्या आया है x प्लस y इज इक्वल टू 30 ये बच्चों आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई अब इक्वेशन वन थर्ड को सॉल्व कर लेंगे x y की वैल्यू आ जाएगी बच्चे ये क्वेश्चन आपका बोर्ड से पूछा गया है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 60 एंड देयर रेसिप्रोकल इज 1/3 फाइनल नंबर बच्चे ये क्वेश्चन देखने में इतना आसान है करने में उतना ही मुश्किल लेकिन मजेदार बहुत है क्योंकि इसमें बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि नंबर और रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो उसमें a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर दोनों का हम यूज करेंगे ठीक है चलिए करते हैं तो हमारा क्या कह रहा था कि दो नंबर हैं ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट कह रहा था कि सॉल्यूशन है कि दोनों नंबर का जो सम है बच्चों x plus y is equal to 16 इक्वेशन 1 तो हमारे पास है बच्चों लीनियर इक्वेशन की ये सॉल्व करनी है एंड देयर रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल का मतलब बच्चों वन अपॉन x ये रेसिप्रोकल कहे जाते हैं वन अपॉन y इनका जो सम है वो 1/3 ये इक्वेशन से कहते हैं अब बच्चों यहां पर हम वन अपॉन x को यू भी मान के भी नहीं कर सकते क्योंकि पहली इक्वेशन लीनियर है दूसरी नॉन लीनियर अब क्या कहेंगे बच्चों ठीक है तो अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए ठीक है हम यहां से कुछ करते हैं इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सेकंड से करना बच्चों एलसीएम लेंगे तो नीचे एक्स वाई आएगा आप जानते हैं ऊपर आएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1/3 क्लास में डिवाइड कर दीजिए बच्चों कितना आएगा आएगा 3 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ठीक ध्यान दीजिएगा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहा हूँ x plus y की जगह वैल्यू देखिए क्या है 16 है यहाँ रखेंगे तो फिर x y बराबर कितना आ जाएगा यहाँ 16 आ जाएगा बच्चों 16 into 3 48 ये हमारे बच्चों x y की वैल्यू आ गई पार्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा अब यहाँ से दूसरे कलर से शुरू करते हैं तो x y की वैल्यू आ गई हमारे पास ठीक है बच्चों ध्यान रखिएगा अब हम क्या करेंगे देखो हमारे पास बच्चों x plus y है हमें x minus y चाहिए होगा इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारी पूरी जुगत जो है वो ये है कि x minus y कैसे लाया जाए ठीक है चलिए तो हम लोग क्या करेंगे कि हम x minus y को ले ही लेंगे x minus y का होल स्क्वायर यहां पर टोटल करते हैं क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy ठीक है ध्यान रखिएगा बच्चों की बात का जो मैं कह रहा हूं x minus y चाहिए तो इसी का होल स्क्वायर कर लेंगे ठीक अब जरा बच्चों हम यहाँ पर x plus y का भी होल स्क्वायर कर लेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस यहाँ टू लिखिए प्लस टू x ठीक यहाँ की बहुत सारी वैल्यूज हमें पता है कौन कौन सी पता है देखिए x plus y पता है 16 यहाँ 16 रख देंगे का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पता नहीं x y पता है बच्चों वैल्यू 48 कर देंगे समझ आ रहा है और इसको लेकर के हम चलेंगे हां से क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए 16 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 256 इज इक्वल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 48 पूजा 96 हमें वैल्यू बच्चों किसकी चाहिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो इसको हम इधर ले आते हैं और ये 90 से सुधार के इसमें से कर देते हैं बच्चों माइनस कितना है 0 6 160 आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना आ गया 160 ठीक लेकिन अभी हमारा काम हुआ नहीं बच्चों हमें वैल्यू किसकी चाहिए x y स्क्वायर की अब बच्चों ये x प्लस y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू उठा लेते हैं
और यहां से हमारे पास कुछ रिजल्ट आ चुका है, देखिएगा x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर + y स्क्वायर की वैल्यू आ गई 160 माइनस 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर की वैल्यू जो 96 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 48 हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 4 60 x - y का होल स्क्वायर आ गया 64 बच्चों, तो x - y की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी इसका अंडर रूट यानी प्लस माइनस की, बच्चों ध्यान रखिएगा लीनियर इक्वेशन में हमेशा रहूंगा जब अंडर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस में लिखेंगे, तो x - y की वैल्यू प्लस माइनस की, ठीक तो आप प्लस ये भी रख सकते हैं माइनस के भी रख सकते हैं, दोनों से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन को पूरा करते हैं, ठीक है यहां तक हो गया क्लियर, लिख लिया सभी ने, चलिए इसको हटाते हैं ये कर लेते हैं। तो हमारी पहली क्वेश्चन की बच्चों x plus y is equal to 16 और दूसरी आई है x minus y is equal to 8 कर लेते हैं, x minus y is equal to 8, ठीक है देखिए आप सभी के लिए आता है प्लस माइनस काट दीजिए ऑन एडिंग कर दीजिए ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा आपका 24, x की वैल्यू आ गई बच्चों 12, अगर x की वैल्यू 12 है तो y कितनी होगी, दोनों को जोड़ेंगे 16 आएगा, x आ गया 12 तो y कितना हो गया 4, तो y हो गया बच्चों ठीक है, xy की वैल्यू हमारी आ गई। अगर आप यहां पे बच्चों -8 लेते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, यहां -8 अगर आप लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 8 बचेगा, x की वैल्यू आएगी कितनी बच्चों 4, अगर आप यहां 4 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 12, तब भी आ जाएगा, तो आप कोई भी वैल्यू रखें आपके आंसर आ जाएंगे, लेकिन नंबर हमेशा पॉजिटिव ही ली जाती है इसलिए हमारी वैल्यू 8 वाली ही करेक्ट मानी जाएगी, ये हमारा लग गया आंसर हो गया क्वेश्चन हो गया, प्यारा सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, आज आप इस टाइप के क्वेश्चन लगाइए और कल हम लोग बात करेंगे आप टू डिजिट नंबर क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, रुपए पैसे वाले क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, 25 पैसा पॉइंट एटसेट्रा, ओके तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए साइंस के नोट्स भी पढ़ते रहिए और आज आपको